ओके सो गाइज, आज हम लाए हैं आपके लिए ये पावर बैंक। तो गाइज ये है EMI का 3A पावर बैंक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है, तो इसका अपन अनबॉक्सिंग करनी है, साथ ही साथ इसका रिव्यू देने वाला, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसका रिव्यू लिया, मैंने मतलब इसको लिया वगैरह, इसको यूज़ किया, काफ़ी तगड़े स्टाइल की। तुमको पता है कि तुम्हारा भाई सब चीज़ खुद यूज़ करता है, उसके बाद तुमको सजेस्ट करता है कि जो चीज़ अच्छी होंगी वही तुमको बताता है। अगर आप ऐसे अगर आप पावर बैंक लेने के बारे में सोच रहे हो गाइस, तो डेफिनेटली मैं आपको ये पावर बैंक सजेस्ट करूँगा। तो मैं क्यों सजेस्ट करूँगा, अगर ये चीज़ आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ डिटेल में समझ में आएगा, इसके फीचर क्या क्या है। बहुत काफ़ी तगड़ा पावर बैंक, तो अच्छा है। तो इस बात को एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो गाइस, मेरा नाम है विष्णु नेमानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीपन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये जो पावर बैंक है तो ये EMI का पावर बैंक 3A है, जो लेटेस्ट पावर बैंक है, 20,000 mAh का, 20,000 mAh का ये पावर बैंक है जो आपको अभी दिख रहा होगा। तो ये है लेटेस्ट पावर बैंक EMI का, काफ़ी सही है, बहुत हेवी वगैरह है। अगर इसको ऐसे किसी को ऐसे मारे ना, पक्का उसका सर फूट जाएगा। तो इसको अगर झगड़ा हुआ ना, तो मैं तो पहले सजेस्ट करूँगा झगड़ा में उसको ऐसे थपक 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 ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, फेंक के मार देने का मैं तो सोचता नहीं। और इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर, अच्छे फीचर है इसमें, मतलब ट्रिपलेट पॉइंट आउटलेट क्या क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन अनबॉक्सिंग आप आगे देखते रहिए, आपको बहुत कुछ इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप आगे देखते रहिए। सो गाइज, ये जो पावर बैंक है EMI का 3A वाला, मतलब 2000 mAh, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास, 2000 नहीं भाई 20,000 mAh का, कुछ भी बोल रहा हूँ फालतू में। गाइस, ये जो 20,000 mAh का पावर बैंक है, इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करती है, इसके फीचर के बारे में आपको समझाती है। इसमें मोस्टली फीचर, दो तीन फीचर काफ़ी अच्छे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ले रहे, सब है, सब कुछ है। आप चाहो तो गूगल कर लेना, इतना आपका भाई अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन था। ठीक है, सही EMI का है। इसमें आपको दिख रहा है ड्यूएल इनपुट, मतलब समझ रहा है, इसमें अंदर बहुत कुछ है, इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। मेड इन इंडिया है, सब इंडिया है, इसको ऐसे खोलते हैं। तो मैंने इसको खोल लिया क्योंकि मैं चेक कर रहा था अच्छा है कि नहीं। अगर आपको पता है, आपको एक चीज़ अच्छी है कि आपका भाई कोई गलत चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करता। अभी मैं इसको बोलूँगा खुल जा सिमसिम, ये खुल जा सिमसिम की तरह खुल गया, और इसको ऐसे देखो प्यार से खींचा बस। तो भाई ये है पावर बैंक जैसा होता है नॉर्मली, उस तरह से इसको रखते साइड में, इसको ऐसे निकालते हैं, टैंग टैंग। तो ये है केबल, जो नॉर्मल केबल होती है उसी तरह से इसको रखते साइड में। और अब बॉक्स को देखते हैं, तो कि इसके ऊपर EMI पावर बैंक 3A 20,000 mAh की ब्रांडिंग है, जो काफ़ी सही है, तगड़ी है। इसके फीचर के बाद इसके इनपुट आउटपुट के बारे में इसके बताया गया है, और कुछ नहीं है। और इसके जो एडवांस फीचर वगैरह है, तो एडवांस 12 लेयर चिप प्रोटेक्शन, मतलब इनका जो सर्किट है उसमें 12 लेयर का प्रोटेक्शन है, तो काफ़ी सही है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है, और कुछ नहीं है। गाइस, पावर बैंक के बारे में और बात कीजिए, तो इसमें जो पोर्ट है वो भी है, तो आप आगे देखते रहे, आपको पूरा रिव्यू आगे मिलने वाला है। सो गाइस, आपको ये जो पावर बैंक है, तो मोस्टली ये पावर बैंक है, तो इधर कुछ नहीं, इधर आपको EMI की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो काफ़ी सही है, तगड़ी है। पता भाई मेरे को पता है सब, मेरे को मत समझा ऐसा आप कुछ बोलोगे, ठीक है। सो गाइस, मजाक कर रहा था। तो गाइस, इसमें आपको वो अच्छी चीज़, आपको इसमें यूनिवर्सल सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आपके पास इसको दो पोर्ट आपको आउटपुट के लिए मिलते हैं, लेकिन दो पोर्ट इनपुट के लिए मिलते हैं। तो भाई तुम लोग बोला कि भाई दो पोर्ट किस लिए मेरे भाई, ऐसा क्यों समझा दिया, ऐसा इसका ये रीज़न है। तो अभी मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, समझ लीजिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक काम कर लीजिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर सब दिख जाएगा। तो मैं इसको ऊपर एक स्क्रीन डाल देता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो दो पोर्ट मिल रहे हैं, तो ये दो पोर्ट का ऐसा है, एक आपको टाइप सी मिल रहा है और एक आपको माइक्रो USB मिल रहा है। अगर आप कहीं घूमने गए और उनके पास सिर्फ माइक्रो USB है, वो टाइप सी नहीं यूज़ करते, उनको पता ही नहीं टाइप सी क्या है, अब उनके माइक्रो USB से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, इसके लिए मेरे को ये पावर बैंक काफ़ी अच्छा लगा। 20,000 mAh का है, हेवी है थोड़ा, किसी को ऐसे फेंक के मारा तो उसका सर फट सकता है, डेफिनेटली। मैं खुद को नहीं मारूंगा, इतना होशियार मैं हूँ, तुमको पता है तुम्हारा भाई काफ़ी होशियार है, तो खुद को नहीं मारेगा। लेकिन मोस्टली काफ़ी अच्छा पावर बैंक है, अगर इसलिए मैं इस पावर बैंक को सजेस्ट करता हूँ। और इसके साथ मेरे को एक केबल मिले, इसको ऐसे डाल देने का, और इसको ऐसे आप चार्जिंग को लगा सकते हैं। अगर आपको इसको चार्जिंग को और भी लगाना है, आपको कुछ नहीं करने का, आपको इसको ऐसे लगा देने का, और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, हर चीज़ के लिए अच्छा पावर बैंक है। तो आपको ये पावर बैंक कैसा लगा, और बात रही मेरे रिव्यू के बारे में, मैंने बोला आपको कि मैं इसका रिव्यू देने वाला, तो गाइस मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं इसके बारे में, कुछ गलत चीज़।
बस चार्जिंग होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन मोस्टली जितना पावर बैंक में लगता है उतने रात के टाइम को चार्जिंग को लगा देने का सोल्यूशन, रात के टाइम को चार्जिंग को लगा देने का, सुबह यूज़ करने का। अगर आपका फ़ोन 4000 mAh का है तो आपका फ़ोन 4 बार आराम से चार्ज होगा, मतलब अगर आपके फ़ोन की बैटरी 4000 mAh की है तो ये 4 बार चार्ज हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन 5000 mAh का है फिर भी आपका फ़ोन 4 बार चार्ज नहीं होगा, आप 3.5 बार चार्ज कर लो, मतलब थोड़ा बहुत उसका कम ज़्यादा रहता है। जितना इसका 20,000 आता था, 20,000 इतना चार्ज नहीं होता, लेकिन मान लो आप कुछ भी ऐसा मान के चलो आपका फ़ोन डेफिनेटली अच्छा चार्ज होगा। अगर आपका ये ट्रैवलिंग में जा रहे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। सो आई होप ऐसे हेल्पफुल डिटेल के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका भाई ऐसी काफ़ी तगड़ी रिव्यू आपके लिए लाता रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस ब्लॉग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मेरे को लगता है गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसके रिलेटेड, इस पावर बैंक के रिलेटेड आपकी कौन कौन सी राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका भाई आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे देगा। अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा मेरे को लगता है, क्योंकि आपका भाई बताए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।